वरुण और जानवी की बवाल कौन कौन सी जगहों में होगी शूट, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, वरुण धवन और जानवी कपूर नितेश तिवारी की अगली फिल्म के लीड कपल हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म का नाम है बवाल और ये फिल्म 7 अप्रैल 2022 को रिलीज हो रही है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला। ये फिल्म एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है और फिल्म 7 शहरों में शूट हो रही है। बवाल की शूटिंग यूरोप के 4 शहरों में होगी। इसके अलावा फिल्म भारत के भी 3 शहरों में शूट होगी। फिल्म का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पेरिस में शूट होना है और ऑडियंस जो है वो वरुण और जानवी की रोमांटिक केमिस्ट्री को पर्दे पर देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। नितेश तिवारी यूँ तो मधु मंटेना की 500 करोड़ की जो रामायण फिल्म थी उसको फ्लोर पर लाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वरुण और जानवी की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पूरी होने वाली है। इससे पहले नितेश तिवारी और साजिद नाडियाडवाला की जोड़ी छिछोरी जैसी शानदार फिल्म बना चुकी है। फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। बात करें फिल्म की दूसरी लीड जानवी कपूर की, तो वरुण धवन और जानवी कपूर इससे पहले एक साथ शशांक खेतान की फिल्म मिस्टर लेले में भूमि पेडनेकर के साथ नजर आने वाले थे, लेकिन वरुण धवन को ये फिल्म छोड़नी पड़ी। अब मिस्टर लेले नई स्टार कास्ट के साथ अनाउंस होगी। विकी कौशल का नाम इसके साथ जुड़ रहा है। वहीं वरुण और जानवी आखिरकार किसी फिल्म में साथ आ रहे हैं। जानवी कपूर धड़क के साथ आलोचकों का भी शिकार हुई थी, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो फैंस और मीडिया का दिल जीत चुकी है। चाहे फिर वो इवेंट्स हो, वहां पर उनकी शानदार प्रेजेंस हो, चाहे वो इवेंट्स में उनकी शानदार प्रेजेंस हो या जिम सेशन के बाहर नो मेकअप लुक, जानवी अक्सर अपने फैंस को भी खुश करती दिखती है, उनके साथ सेल्फी भी खींचती हुई नजर आती है, तो लोगों का दिल वो जीत रही हैं। वरुण धवन लॉकडाउन में कई फिल्में रिजेक्ट कर चुके हैं। ड्रीम गर्ल डायरेक्टर राज शांडिल्य ने उन्हें एक कॉमेडी फिल्म ऑफर की थी जहां वरुण धवन एक स्टैंड अप कॉमेडियन का किरदार करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ उन्हें शाहरुख खान की रेड चिलीज ने भी एक फिल्म ऑफर की थी जिसे वरुण ने ठुकरा दिया। केसरी डायरेक्टर अनुराग सिंह भी वरुण के साथ एक फिल्म शुरू करने वाले थे जो लॉकडाउन में वरुण धवन ने रिजेक्ट कर दी। इसके बावजूद उनके पास पाइपलाइन में ढेरों फिल्में हैं। जानवी कपूर दर्शकों की चहेती हैं और अगर नई पीढ़ी की हीरोइनों की बात करें तो उनमें सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में से एक है। धर्मा प्रोडक्शन के लिए जानवी कपूर की अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगे बमन ईरानी के बेटे कयोज ईरानी। इस फिल्म में जानवी के ऑपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन होने वाले हैं। वहीं धर्मा प्रोडक्शन की एक और फिल्म जिसे शरण शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी अनाउंस हो चुकी है। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही, जिसमें जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव होंगे। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उन्होंने दिनेश रुझान की हॉरर यूनिवर्स में कदम रख दिया है भेड़िया के साथ। फिल्म का पोस्टर और फर्स्ट लुक भी बाहर आ चुका है। इस फिल्म में वरुण धवन कृति सैनन के साथ दिखाई देंगे और माना जा रहा है कि ये हॉरर यूनिवर्स आगे चलकर स्त्री और रूही के साथ मिलकर कोई बड़ा धमाका करेगी। इसके अलावा वो श्रीराम राघवन की अरुण खेतपाल बायोपिक में नजर आएंगे जिसका नाम है 21। इस फिल्म की शूटिंग लगातार टलती जा रही है। 2022 में वरुण धवन की 2 फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। भेड़िया के अलावा उनकी धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जुग जुग जियो भी रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म पूरी तरह से एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां वरुण धवन के साथ कियारा, अनिल, नीतू कपूर और प्राजक्ता कोहली होंगी। वरुण धवन की कई फिल्में फिलहाल अटकी हुई हैं जिनमें धर्मा प्रोडक्शंस के साथ रणभूमि शामिल है। वहीं आलिया भट्ट के साथ दुल्हनिया सीरीज की अगली फिल्म भी आने वाली है। तो दोस्तों, कितना इंतजार है वरुण धवन की बवाल और बाकी फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।